है वो किस बना हुआ होता है। रे जो है, कल्याणी का मुझे पास मैसेज आ ही गया है ऑलरेडी। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ यस प्राची, किससे बना हुआ है? प्राची ने हैंड रेस किया है, वैष्णवी हैंड रेस किया है, बोलो वैष्णवी, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करके बताओ। ओके, वॉइस नहीं आ रहा है, सुन पा रहे हो क्या आप लोग? सब लोग अभी जैसे आप अनम्यूट करके मुझे बताओ, कौन विल टेल मी फर्स्ट? फॉर एग्जाम्पल सानिया, बताओ माउथ किससे बना, माउथ का जो रूफ है वो किससे बना हुआ है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टेल मी। ऑलराइट, ओके, सानिया का मुझे मैसेज आया है, सो इट इज मेड अप ऑफ मैसेजेस मेरे पास है। वी हैव गॉट द, आई हैव गॉट द मैसेजेस फ्रॉम सानिया, देन आई हैव गॉट द मैसेजेस फ्रॉम ओजाश्री, प्राची, ठीक है, कल्याणी का मैसेज आया, सो इट इज मेड अप ऑफ पेलेट, राइट? सो पेलेट से बना हुआ है। आप लोग एक काम कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड देन यू कैन टेल मी, ठीक है, अनम्यूट करके आप मुझे बताइए। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस, ऑल राइट वैष्णवी, चलो चलिए। सो सब पहला चीज हम लोगों ने बात की है कि वो उसका जो रूफ है वो पैलेट से बना हुआ है, ठीक है। नाउ टेल मी कि उसका जो फ्लोर है वो किससे बना हुआ है, बकल कैविटी का फ्लोर किससे बना हुआ है? रिया कुमारी रे जो है ना, हाँ बोलो रिया कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। टंग टंग से बना हुआ है, वेरी गुड, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेट के दो पार्ट्स क्या क्या थे? दो, रिया कुमारी यस, क्या क्या थे पैलेट के? रिया, सर, दो पार्ट, एक इंटीरियर पार्ट था प्लेट का, उसका नाम था हार्ट प्लेट, और एक पोस्टीरियर पार्ट था इसका सॉफ्ट प्लेट। ओके, एक्सटीरियर और सर एक है, एक्सटीरियर हार्ड होता है ना, और इंटीरियर सॉफ्ट होता है ना। यस यस, इंटीरियर मतलब उसको पोस्टीरियर बोला गया एक्चुअली। सो पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे वाला पार्ट, वो सॉफ्ट होता है, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, इट इज हार्ड, राइट? हार्ड पैलेट से बना हुआ होता है। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। टंग के पास हम लोग के, हमने टंग में, टंग के केस में हम लोगों ने पपीली के बारे में पढ़ा था, राइट? पपीली कितने टाइप्स के होते हैं? यस सर यस, मेरे पास वैष्णवी, हाँ बोलो वैष्णवी। वो टेस्ट, मतलब कि सर वो थ्री टाइप्स को, वो जो पपीली होते हैं वो टेस्ट को भी रिसेप्ट करते हैं, और फिर हाउ टच मेनी को टाइप्स भी। ऑफ पपीली? सर फोर टाइप्स के, फॉलिएट, फंगी फॉर्म, सरकमवेलेट और फिली फॉर्म। यस, फोर टाइप्स ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ऑलराइट। तो इसमें से किसके पास टेस्ट बड्स नहीं होते हैं एंड दे प्रोवाइड द रफ रफ कंडीशन टू द टंग, किसके पास नहीं होते और सिर्फ रफ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं? फिलीफॉर्म के पास। फिलीफॉर्म, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ेंगे। आप लोग हैंड रेज करके बताइए, ठीक है, मैं जिसको बोलूंगा वो लोग भी बोलेंगे, ठीक है, खुद से अनम्यूट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर क्लास हॉटस्पॉट हो जाता है ना इसके वजह से, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो नाउ उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द सेलिवरी ग्लैंड्स, राइट? सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स और क्या क्या? यस रिया बोलो, सानिया, हाँ बोलो,
सर थ्री टाइप्स का होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सर सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स वी फाइंड, थ्री टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ द सलिवरी ग्लैंड्स वी फाइंड, राइट? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, वेरी गुड। चलो अनम्यूट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द सब लिंगुअल जो ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल जो सलिवरी ग्लैंड होता है, उसका जो डक्ट होता है, उस डक्ट का नाम क्या है? रिया, रिया सबसे पहले हाथ उठाया है, बोलो। सर चेस्ट बॉक्स। यस कल्याणी सर, पिनिवल चेस्ट बॉक्स, चेस्ट बॉक्स आंसर तो दे रहे हैं पिनिवल, रिनिवास। ओके और सानिया? यस सर, सर रिनिवास ही है। ओके आयुषी, ओजस्वी, प्राची, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो? यस सर रिनिवास ही होगा। ओके और बाकी लोग? ओजस्वी, यस सर हमें रिप्लाई दिया, अभी रिनिवास ही होगा। अच्छा ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ और व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स? यस मेरे पास क्वेश्चंस आ गए थे, रिनिवर्स रिनिवर्स और दिस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। यस थ्री गिव पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड्स। ऑलराइट सो दिस टाइम वैष्णवी, व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स? Nasopharynx, oropharynx or laryngopharynx? Nasopharynx, oropharynx or laryngopharynx. All right. Chalo, next. Okay, theek hai. Next question is ki which parts of the pharynx is act as both, act for both food and air? Which parts of pharynx, food or air, dono ke liye kaam karta hai? जल्दी से, यस एक हैंड रेस हुआ है मेरे पास, इट्स ऑफ कल्याणी, बोलो। लैरिंगोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स, बस लैरिंगोफैरिंक्स। वैष्णवी? यस दोनों ही, लैरिंगोफैरिंक्स एंड ओरोफैरिंक्स। और नेसोफैरिंक्स कहाँ पे होता है? ऊपर की तरफ होता है, राइट? सो इसके वजह से वहां पे क्या होता है, वो क्या प्रोवाइड नहीं करता है कि वो एयर फूड के लिए काम नहीं करता है, राइट? सो फूड और एयर दोनों के लिए काम करता है, जो फेरिंग्स जो काम कर रहा है वो क्या है, इट इज ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। वेरी नाइस, ठीक है आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था ओएसोफेगस के बारे में, राइट? है ना, ईसोफेगस हम लोगों ने, ओएसोफेगस भी कोई कोई बुक में बोलता है, ईसोफेगस भी बोलता है, देयर इज नो इशू इन दैट। सो ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस हम लोगों ने पढ़ा था, ईसोफेगस जो है वो कनेक्ट कर रहा है किसमें, स्टोमक के पास, ठीक है ना। स्टोमक और इसोफेगस जो कनेक्टेड है, उस स्फिंक्टर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्फिंक्टर, बताओ। कल्याणी सर, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको मस्कुलर स्फिंक्टर भी, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ओके ओके। सो ईसोफेगस कनेक्ट कर रहा है किसमें, स्टोमक, और किसके बीच में कनेक्शन हो रहा है, स्टोमक और द, स्टोमक और किसके बीच में कनेक्ट हो रहा है, स्टोमक एंड द फेरिंग्स, राइट? ओके, स्टोमक के तीन पार्ट्स,
स्टोमक के तीन पार्ट्स रिया ओजास्टिनी भी हैंड्रेस के इस बार ओके आई विल कम रिया हाँ बोलो सर फंडस कार्डियक और पैलोरिक पाइलोरिक फंडस कार्डियक और पाइलोरिक ठीक है वेल ठीक है वैष्णव भी आपका भी सही आंसर है कोई बात नहीं यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें से हम लोगों ने देखा कि इन केस ऑफ स्टोमक के अंदर हमने एक चीज देखा था कि उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं है ना दे हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स What are the different types of gland? इस बार मैं किसी और से पूछता हूँ जिसे मुझे बिल्कुल आंसर नहीं मिला प्राची What are the different types of glands in cells in gastric glands? Prachi. Prachi, can you hear me? Okay, sir, नहीं पता. Okay, all right. हाँ. एक मिनट. हाँ, ये क्या बोलते हैं? कल्याणी बताओ सर गोल्गी सेल डायनेमिक सेल और पेरिटियल सेल अच्छा पहला क्या नाम बताया क्या बोलते कल्याणी म्यूकस नेक सेल को गोल्गी सेल भी बोलते हैं ना ओके ओके और डायनेमिक सेल पेप्टेटिक और चीफ सेल जाइमोजेनिक जाइमोजेनिक है ठीक है जाइमोजेनिक हाँ और अभी जो म्यूकस नेक सेल है उसके तो हम लोग को पता चल रहा है कि वहां से म्यूकस सीक्रेशन होगा है ना तो मुझे वैष्णवी बताओ कि जो जाइमोजेनिक सेल्स है वहां से क्या सीक्रेशन होता है सर सेक्रेट प्रोएंजाइम लाइक पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन राइट ओके और नेक्स्ट मुझे सानिया बताओ कि ऑक्सिंटिक सेल से क्या रिलीज होता है सर आरपीआईआर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सर जो कि हेल्प करता है बिटकॉइन 12 के अब्सॉर्प्शन में बस क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ही रिलीज होता है और कुछ नहीं कैसे और कुछ भी रिलीज नहीं होता है बस इंट्रिंसिक फैक्टर ही रिलीज होता है वो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यस यस मेन हम लोग को अगर कोई पूछा जाता है ठीक है ऑलराइट यू कैन म्यूट योरसेल्फ तो हम लोग को अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस वो क्या रिलीज करता है तो हम लोग का मेन जो हम लोग क्या बोलेंगे इट इज एसीएल है ना उसके बाद द इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसके बाद है ना क्योंकि हम लोग का मेन जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है एसीएल है ना ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इजी आप लोग के बहुत इजी है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एसीएल एसीएल का फंक्शंस क्या है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एसीएल वैष्णवी सर ये एसिडिटी एंड वॉमिट प्रोवाइड करता है जब भी कोई भी बैक्टीरिया अगर स्टमक में आता है तो फिर वो उसको किल करने में हेल्प करता है यस ओके और सर उसको मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट किसको प्रोवाइड कर रहा है फूड को ओके क्यों क्या फायदा है सर जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया अगर माउथ में भी तो एसिडिटी हल्का सा होता है तो वो बैक्टीरिया किल करने में हेल्प करता है ठीक वो तो हो गया एक पॉइंट आई हैव गॉट राइट कि इट किल्स द बैक्टीरिया ठीक है दूसरा और एक पॉइंट क्या कौन बताएगा मुझे आयुषी यस बोलो आयुषी यस कल्याणी यस कल्याणी बोलो सर क्लियर तो मेरे को नहीं पता है लेकिन
आगे जाके उसको बेसिक नेचर मिलता है इंसुलिन, इसलिए वो पहले एसिडिक होता है ताकि मसल हो जाए। कल्याणी, मैं तो अभी एसीएल के बारे में बात कर रहा हूँ। एसीएल को बेसिक नेचर क्यों चाहिए? खुद ही एक एसिड है, कंसेंट्रेटेड एसिड है। नहीं, सिर्फ फूड को बोल रहे हैं हम। अच्छा, फूड को नहीं, मैं फूड के बारे में नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एसीएल, एसीएल के फंक्शंस क्या क्या है। एक तो मुझे वैष्णवी ने बता दिया कि इट कैन किल द बैक्टीरिया, राइट, वो एंटी माइक्रोबियल काम करते हैं, राइट, एज ए एंटी माइक्रोबियल। प्लीज चेक, हाँ चैट बॉक्स, यस ओके। ठीक है, हाँ दैट्स करेक्ट, सही है। रिया बताओ मुझे क्या फंक्शन है? सर पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, तो वो एचसीएल के प्रेजेंस में ये प्रोटीन में चेंज करेगा पेप्टीन को प्रोटीन में, एडेनिन में। ओके, वेरी गुड, राइट। कि जो पेप्सिनोजेन होता है वो क्या होते हैं? दे आर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, राइट। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इनएक्टिव उसको एक्टिव करने के लिए वी नीड एन एसिडिक मीडियम, हम लोग को एक एसिडिक मीडियम चाहिए, एंड दैट एसिडिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय, दैट एसिडिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? दैट एसिडिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय, दैट एसिडिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय एसीएल, ठीक है, व्हिच इज अराउंड 1.8, कितना है 1.8 के आसपास होता है, क्या 1.8 के आसपास होता है द पीएच, ठीक है। सो वो प्रोवाइड करता है कौन? इट इज प्रोवाइडेड बाय द एसीएल, ठीक है। सो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसके बाद कि जो बच्चों में प्रोरेनिन भी होता है उसको भी रेनिन में कन्वर्ट करने में कौन मदद करता है? एसीएल मदद करता है। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स to kill the microbes, right? It acts as a antimicrobial, antimicrobial की तरह वो काम कर रहा है, वो हम लोगों ने देखा। All right, ठीक है। So ये है function ACL का। Now what? IUCN Sanya, you can lower your hands. नहीं तो मैं confused हो जाऊँगा question पूछने के बाद में। IUC, can you hear me? चलो, हाँ, नेक्स्ट। नाउ एसीएल तो रिलीज हो रहा है, नाउ व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एसीएल? एसीएल से कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? नाउ दिस इज वेरी इजी, ठीक है। चलो इसमें मुझे सब लोग, मुझे बताओ इसमें चैट बॉक्स में क्विकली। सान्या क्या आ गया, वैष्णवी क्या आ गया, औजस्वी क्या आ गया, ओके, कल्याणी क्या आ गया, वेरी गुड, ये तो सबका सही होना चाहिए। बाकी लोग भी बताए, आयुषी, प्राची, रिया क्या आ गया, चलो ग्रेट ग्रेट, चलिए। सो आगे बैठे हैं, आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि इन केस ऑफ, हम लोगों ने और एक चीज देखा था जो मैं अभी पूछना एक्चुअली भूल गया, दैट इज टीथ के बारे में पढ़े थे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ रिया? सर देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर एंड इनसीजर। कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड इनसीजर्स, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला था वो कैसा था? व्हाट वाज द फॉर्मूला? सर 2, 1, 2, 3। अभी अगर मैं आपने जो मुझे नाम बोला कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स और इंसिजर्स, उसको 2, 1, 2, 3 में डाल सकता हूँ क्या? नो सर, वो अरेंज नहीं किए थे। अच्छा, अरेंज करके मुझे कौन बताएगा? सर बता सकते हैं हम? बताओ।
सर पहले इंसीजर होगा उसके बाद कहना प्री मोलर फिर मोलर. वेरी गुड वेरी गुड. सो यस वैष्णवी 2 1 2 3 प्राची ने भी मेरा मुझे आंसर दिया है 2 1 2 3 2 1 2 3 बेसिकली ये जो 2 1 2 3 है वो कैसे होगा इट इज कैन सॉरी इंसीजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स मोलर्स दैट इज 2 1 2 3 राइट. ओके चलो जी आगे बढ़ेंगे. आगे हम लोग और एक चीज देखे थे दैट वाज क्या देखे थे हम लोगों ने वी हैव सीन और एक नाम मैंने बताया था आप लोगों को जो कि मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसोफेगस जो है अभी आप लोग हैंड लोअर कर लीजिए सब लोग. इसोफेगस जो है वो क्या होता है डायफ्राम के बीच में से इट एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी राइट. एब्डोमिनल कैविटी पे वो जाता है इसोफेगस डायफ्राम के बीच में से. व्हाट दैट पोजीशन इज कॉल्ड उस पोजीशन को क्या बोलते हैं जहां से डायफ्राम के अंदर से वो क्या बोलते हैं इसोफेगस एब्डोमिनल कैविटी पे जाता है. वैष्णवी इसोफेरिंजियल हाइटस. इसोफेरिंजियल हाइटस वेरी गुड. सो इट इज इसोफेरिंजियल हाइटस इसके थ्रू क्या हो रहा है वो डायफ्राम के अंदर जा रहा है इसोफेरिंजियल हाइटस. ठीक है वेरी गुड. चलिए अभी मुझे बताइए कि इसोफेरिंजियल हाइटस हो गया ठीक है फिर मैंने ये वाला ऑलरेडी आई हैव आस्क्ड यू राइट. इसोफेरिंजियल स्फिंक्टर के बारे में तो मैंने सबको पूछ लिया है ना. ऑलराइट चलिए व्हाट डू मीन बाय रुगे. रुगे क्या होता है कल्याणी. Holes of mucosa in stomach. क्या होता है Holes of mucosa in stomach. Stomach. Stomach में folds होते हैं, wrinkles होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रुगे, right? रुगे बोलते हैं. ठीक है ऑलराइट चलिए ओजस्वी आप मुझे बताइए कि इस रुगे के वजह से फायदा क्या होता है स्टमक को. क्या फायदा है What's the use of this? मतलब ये जो रुगे present होता है उसे क्या फायदा है? सर सबसे पहले कि जो stomach जब empty होता है तो ये जो stomach fold जाता है इसको रुगे बोला जाता है. Okay. और I think सर ये gastric juice का जो secretion ज्यादा होता है उसको reduce करने में help करता है. नहीं ऐसा नहीं होता है. Okay. कौन मुझे बताएगा? Next. रिया बोलो. सर कंफर्म तो नहीं है बट ये होता है क्या कि वो इसका नाम एरिया बढ़ा देता है. क्या बढ़ा देता है एरिया. यस राइट. सो ये जो रिंकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस रिंकल्स के वजह से क्या होता है उसका एरिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है when food enters into the stomach. क्योंकि फूड जब स्टोमक में एंट्री करता है और स्टोमक जो है फूड को कितने घंटे लगभग 3-4 hours स्टोर करके रखता है फूड को है ना स्टोमक में. जैसे माउथ में कितना टाइम रहता है फूड. बहुत ही कम टाइम रहता है. जब एग्जाम वगैरह होता है तब और भी कम टाइम रहता है माउथ के अंदर है ना. सो यहाँ पे क्या होता है कि फूड को थोड़ा सा वो स्टोर करके रखता है अप टू सम टाइम कुछ टाइम तक वो फूड को स्टोर करके रखता है अराउंड 3-4 hours. 3-4 hours तक वो स्टोर करके रखता है और इसलिए उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज रुगे राइट. रुगे के वजह से रुगे जब रिलैक्स हो जाता है बेसिकली राइट तो उसका एरिया ऑब्वियसली बढ़ जाता है. ऑलराइट वेरी गुड. चलो आगे देखेंगे स्टोमक का जो वाल होता है. What are the 4 different layers of stomach? Vaishnavi, सबसे पहले हाथ उठा था Vaishnavi ने. But Vaishnavi, just a minute. Prachi ने भी hand raise किया. Prachi बताओ. Sir, serosa, muscularis, submucosa, mucosa. Serosa, muscularis, submucosa, mucosa. Very nice. Great. Okay. Good. So, सब लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो ठीक है तब ज्यादा मजा आएगा. वैष्णवी मुझे बताओ आप कि ये जो क्या बोलते हैं हम लोग के पास जो मस्कुलरिस लेयर होता है उसमें कौन से मसल्स होते हैं. सर मस्कुलरिस में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होता है और सर ऑब्लिक भी होता है. ऑब्लिक भी होता है. यस यस सर.
ऑब्लिक सबसे ऑब्लिक सबसे अंदर उसके बाद इनर सर्कुलर होता है सर हाँ उसके बाद सर्कुलर उसके बाद आउटर लॉन्गिट्यूडिनल आउटर लॉन्गिट्यूडिनल ठीक है अकॉर्डिंग टू योर तुम्हारा देखो यहाँ पे हम लोग के पास हम लोग को एक चीज याद रखने होंगे ठीक है कि आपके जो एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वहां पे ये बताया गया है कि मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स ठीक है यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स ठीक बट उसमें ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं सो ऑब्लिक मसल्स कहाँ पे होते हैं जो सर्कुलर मसल्स होते हैं उसके भी अंदर बात समझ में आ रहा है सबको सब लोग इसको ध्यान रखेंगे ठीक है सो ऑब्लिक मसल्स जो होते हैं वो सबसे अंदर सबसे इनर वाला जो मसल्स होते हैं वो ऑब्लिक मसल्स उसके बाद आपका आएगा सर्कुलर मसल्स उसके बाद आपका आएगा लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स ठीक है क्लियर सबको लेकिन ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इस चीज को ठीक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास वो बोला गया है कि दो मसल्स है सर्कुलर मसल्स और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स ऑब्वियसली इसलिए बोला गया है बिकॉज ऑब्लिक मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम नेग्लिजिबल इसलिए ठीक है ऑलराइट हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन सेरोसा जो है वो एक एपिथेलियम से बना हुआ है जिस उस एपिथेलियम का नाम क्या दिया है हम लोगों ने सानिया सबसे पहले हेनरिस के सानिया ने सर मेसोथेलियम मेसोथेलियम वेरी गुड ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी लोग जिन लोगों ने भी हेनरिस किया आई नो आप यू पीपल नो दिस राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट राइट यू नीड टू रिमेंबर दिस ठीक है आप लोग इसको याद रखोगे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा म्यूकोसा उसका अगेन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है राइट दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है व्हाट आर दोस पार्ट्स फिर से सानिया ने हाथ उठाया है बोलो सर एक है लैमिना प्रोपिया और एक मस्कुलरिस म्यूकोसा यस लैमिना प्रोपिया दैट इज लैमिना प्रोपिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा ठीक है मस्कुलर अभी ठीक है ओके सानिया लैमिना प्रोपिया किससे बना हुआ है कौन बताएगा कल्याणी बोलो सर कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है और नेक्स्ट मस्कुलरिस म्यूकोसा किससे बना हुआ है वैष्णवी स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल से बना हुआ है सो ये क्वेश्चंस हम लोग याद रखेंगे ठीक है दीज आर सम ऑफ द मसल्स नेम्स जो हम लोग को याद रखने होंगे ठीक है कि ये किससे बना हुआ है मे बी कभी कभी पूछे जा सकते हैं है ना चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट मुझे बताओ कि इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होते हैं कि जी सेल्स बोल के भी होते हैं पेरिएटल सेल्स चीफ सेल्स के अलावा भी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जी सेल्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जी सेल्स वैष्णवी ने हाथ हैंड रेज किया है बोलो वैष्णवी सर गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जी सेल गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओके ठीक है वैष्णवी ओके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन कल्याणी सर प्रमोट करता है सेक्रेशन ऑफ पैराइटल और चीफ सेल्स यस इट प्रमोट्स मतलब वो और सेक्रेशन बढ़ा देता है उससे है ना हां ओके वेरी गुड चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर देगा मुझे बहुत टाइम से रिया भी बहुत टाइम से साइलेंट है प्राची भी साइलेंट है ठीक है आयुषी भी साइलेंट है नेक्स्ट मुझे आयुषी आंसर देगी आयुषी कैन यू हियर मी आयुषी आयुषी कैन यू हियर मी ओके यस ऑलराइट हाँ तो मुझे बताओ एक क्वेश्चन तो बहुत इजी है एक्चुअली ग्रेलिन ग्रेलिन का काम क्या होता है आयुषी ग्रेलिन बोल के जो एक एंजाइम था उसका काम क्या है एक हार्मोन है उसका काम क्या है आयुषी कैन यू आंसर आयुषी नहीं तो आगे बढ़ेंगे
यस यस आयुषी ठीक है ओके सो इट इज कौन सा है जो हंगर वाला राइट नाउ नेक्स्ट मुझे बताओ कि ये जो ग्रेलिन है इन केस ऑफ स्टोमक कौन सिक्रेट कर रहा है स्टोमक के केस में कौन सिक्रेट कर रहा है कौन बताएगा ओजस्वी वैष्णवी हाँ ठीक है वैष्णवी दिस पार्ट ओके ओजस्वी बताओ इन स्टोमक कौन सिक्रेट कर रहा है यस सानिया करेक्ट वैष्णवी करेक्ट ओजस्वी कैन यू टेल मी सर इप्सिलन ये नहीं नहीं इप्सिलन तो वहां पे है ना कहां पे इप्सिलन इज इन पैंक्रियास राइट सो स्टोमक के अंदर कहां कौन सिक्रेट कर रहा है फंडस PD1 सेल्स ऑफ फंडस ठीक है अभी मुझे बताओ कि विच इज एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्टिक कौन है इसका सानिया सर लेप्टिन लेप्टिन सेल्स राइट वेरी गुड चलिए अभी मुझे मैं आता हूं कल्याणी मुझे बताओ अभी मैं एक एक करके सबका जिसका जिसका ऊपर से नीचे तक नाम है उस हिसाब से जाऊंगा ठीक है सब लोग ध्यान से सुनते रहना मैं किसका नाम है कल्याणी मुझे बताओ कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जिस स्पिंक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है उस स्पिंक्टर का नाम क्या है पाइलोरिक स्पिंक्टर वेरी गुड चलो नेक्स्ट आयुषी 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 आई थिंक आप अनम्यूट कुछ बैकग्राउंड नॉइज की वजह से अनम्यूट नहीं कर रहे ओके आप मुझे मैसेज ही कर देना ठीक है नेक्स्ट आयुषी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है आई थिंक आयुषी का कुछ प्रॉब्लम है ओके एनीवेज हाँ नेक्स्ट ओजासी ठीक है करेक्ट है नेक्स्ट मुझे बताओ इसके पहले मैं किससे क्वेश्चन पूछा था कल्याणी से पूछा था राइट हाँ ओजासी बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है सर इलियम होता है इलियम वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्राची नेक्स्ट क्वेश्चन प्राची के लिए सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा कौन सा होता है ड्यूओडेनम होता है ड्यूओडेनम वेरी गुड चलो ग्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रिया यस सर रिया के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सर्कुलर फोल्स होते हैं उसका नाम क्या रखा था सर वीलस ना जो सर्कुलर फोल्ड यस यस बोलो हाँ सही बोल रहे हो सर प्लीज सही जा रहे हो वैसे थोड़ा सा गलत है सानिया सर पापुली पापुली फिर नहीं वैष्णवी पिपलिका पिलिके हाँ पिलके पिलके इट इज और फॉल्स ऑफ और क्या नाम बताया था मैंने फॉल्स ऑफ कार्करिंग फॉल्स ऑफ कार्करिंग भी मैंने बोला था है कि नहीं यस ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक मैंने सबको एक एक बार पूछ लिया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना कि हर विलास के पास देयर इज एन लिम्फ वेसल्स भी होते हैं है ना हर एक विलास के पास क्या होता है एक लिम्फ वेसल होता है राइट उस लिम्फ वेसल का नाम क्या है
किसका हैंड रेज हुआ है सबसे पहले, लेट मी चेक। वेस्ट ने भी क्या हैंड रेज हुआ है, बोलो सर। लैक्टियल। यस, लैक्टियल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लैक्टियल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? इट इज बिकॉज कि लैक्टियल के, लैक्टियल जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से, है ना, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। व्हाट आर माइक्रोविला? रिया सर, अपफोल्डिंग। अपफोल्डिंग्स ऑफ व्हाट? अपफोल्डिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, पक्का? नेक्स्ट कौन बताएगा? प्राची बताओ। सर, फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ व्हिच सेल्स? कौन से सेल्स का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कौन से सेल्स? सर नो सर, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स ऑफ व्हाट? सर माइक्रोविलाई। वो तो मुझे पता है, प्राची मुझे बता रही थी कि वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। किसके एपिथेलियल सेल्स? एपिथेलियल सेल्स तो हम लोग के स्किन पे भी है, सब पे है। माइक्रोविला का। हाँ, समझ गया हूँ। माइक्रोविलाइज जो है, तुमने बताया माइक्रोविलाइज आर दी फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, राइट? ये बताया तुमने? यस सर। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से एपिथेलियल सेल्स में, किसके एपिथेलियल सेल्स का होता है? बताया सर, इंटेस्टाइन। एक मिनट रिया, दूंगा मौका, बोलो प्राची। सानिया का सही है, ओके। नहीं, हाँ चलो अभी रिया बताओ। सर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल, पक्का? यस सर। इसे गड़बड़ कर रहे हो सानिया। कल्याणी बताओ। सर एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई। विलाई के एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। बाकी लोग प्राची और रिया, ठीक है। वैष्णवी का सही आंसर आ गया था मुझे, कल्याणी का भी आ गया था, ओके। और भी आई हैव गॉट फ्यू करेक्ट आंसर्स इन द चैट बॉक्स, ठीक है। सो इट इज एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई। उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे कुछ फोल्डिंग्स होता है और उसी फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट फोल्डिंग्स वे कॉल्ड एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाय बोलते हैं। बेसिकली एक्सटेंशंस उसको हम लोग माइक्रोविलाय बोलते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। ब्रूनर्स ग्लैंड, Brunner's gland, where it is located, which layer and which part? सबसे पहला hand raise हुआ है यहाँ पे वैष्णवी का, बताइए। सर ये duodenum में submucosa layer। Submucosa, duodenum के submucosa में इसका ये क्या बोलते हैं, इस ये मिलता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। वेरी गुड, चलो ग्रेट, नाइस। नेक्स्ट, पेयर्स पैचेस वेयर इट इज फाउंड। पेयर्स पैचेस सबसे पहला हैंड रेस सानिया का हुआ है, बताओ। सर इलियम में। इलियम में होता है, ओके ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ओजस्वी तुमने भी हैंड रेज किया था, इसी से रिलेटेड चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं इससे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पेयर्स पैचेस ओजस्वी? क्या काम करता है पेयर्स पैचेस? नहीं प्राची। सर लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। और वेरी नाइस, वेरी नाइस, चलो ग्रेट, ओके। लिम्फोसाइट्स, दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड्स डाउन कर लो सानिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोल के किसको बोला जाता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोल के किसको बोला जाता है? सबसे पहला हैंड रेस प्राची क्या हुआ है? वेरी गुड प्राची, बोलो। सर, क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन। क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन, ठीक है। ऑलराइट, एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस? इंटेस्टाइनल जूस का अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है? एक मिनट, मुझे कौन बताएगा? ये बताएगा मुझे आयुषी। आयुषी, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी आयुषी? यस सर, ओके, बताओ इंटेस्टाइनल जूस का व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस? ओके, वैष्णवी का सही आंसर आया, बट स्पेलिंग थोड़ा गलत है। रिया का भी सही आंसर है, स्पेलिंग थोड़ा गलत है। आयुषी बताओ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस? इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है? यस आयुषी, सही जा रहे हो। कल्याणी का भी सही है। ओके, सो इट इज सकस एंटेरिकस, ठीक है। सो सकस एंटेरिकस, ठीक है, सकस एंटेरिकस। सो कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय सकस एंटेरिकस, इज रिलीज बाय सकस एंटेरिकस, इज रिलीज बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोल सकते हैं? कॉमनली वी कैन, हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या कि दिस है, कॉमनली हम लोग उसको बोल सकते हैं द क्रिप्स ऑफ लेबर कुहन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लेबर कुहन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो कनेक्टेड होता है, उस बाल्ब का नाम क्या है? हैंड रेज हुआ है एक, कल्याणी का बोलो। क्या भल? सर बाहुली भल। आपका आवाज मुझे ठीक से आ नहीं रहा है वैसे। एनीवेज, आप मुझे इसमें लिख सकते हो क्या कल्याणी? चैट बॉक्स में लिख सकते हो? हाँ, ठीक है, तब तक मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। वैष्णवी बताओ। इल्यूसिकल वाल्व। इल्यूसिकल वाल्व, ओके। रिया बताओ। चैट बॉक्स। हाँ, चैट, अच्छा चैट बॉक्स में लिख दिया, ओके। इल्यूसिकल वाल्व, ठीक है, इल्यूसिकल वाल्व उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और या फिर, हाँ सही है, गुड सानिया, नाइस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का सब, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो लंबा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, सब लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओ इसका। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट कल्याणी, राइट वैष्णवी, आयुषी गलत है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आई एम टॉकिंग अबाउट ओजस्वी, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। रिया, ओके, रिया और ज्यादा स्पेसिफिक हो गई, ओके। और सो कोलन इज द मोस्ट, नो आयुषी, नॉट, इट्स नॉट इलियम, कोलन। सो कोलन इज द मोस्ट, कौन सा पार्ट है? लॉन्गेस्ट पार्ट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन सबसे लंबा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे लंबा पार्ट होता है द कोलन, ओके। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? यस, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर दो, राइट कल्याणी, सानिया, वेरी गुड। इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ओजस्वी, राइट, वेरी नाइस, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, राइट ओजस्वी, वैष्णवी, राइट, राइट,
बाकी लोग भी लिखो. So it is the liver. Liver is the most largest gland. ठीक है. So liver is divided. Liver के जो दो lobes होते हैं, they are divided with a cartilage. What is the name of that cartilage? कौन बताएगा? Raise your hand. रिया कुमारी बोलो. Sir, fasciculum ligament. Falciform ligament. Very good. Right. Nice. Good. चलो. So it is falciform ligament. जो उसको दो parts में divide करके रखता है, from left and right lobe. Which is the largest lobe? Left or right? Sanya. Sir, right. पक्का? Yes, sir. पक्का. All right, चलो. Right is the largest one. All right, ठीक है प्राची. Right, very good. प्राची का भी मुझे मैसेज आ गया था. So it is right side is the ये क्या बोलते हैं largest one. Okay. So right और left से duct निकलती है. ठीक है. क्या नाम था उसका? कौन बताएगा मुझे? Right और left lobe से जो duct निकलती है उसका नाम क्या था? वैष्णवी. राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. ओके ठीक है. जब दोनों मिल जाता है देन उसका नाम क्या बन जाता है? कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट. ओके ठीक है. चलो ग्रेट. चलो हैंड्स डाउन कर लो. द डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लडर इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? डक फ्रॉम द गॉल ब्लडर. कल्याणी. सर साइस्टिक डक. क्या डक? साइस्टिक. सी वाई एस टी आई. उसको सिस्टिक भी बोलते हैं. सिस्टिक डक. ठीक है. सो व्हेन ठीक है सब हैंड्स डाउन कर लो. अभी जब सिस्टिक डक और कॉमन बाइल डक मिल जाते हैं तो क्या बनता है? वैष्णवी. सर कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलता है ना? हाँ सॉरी कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलता है ये. सॉरी तब बाइल डक्ट बनता है ना सर? कॉमन बाइल डक्ट बनता है. वेरी गुड. चलो ग्रेट. कॉमन बाइल डक्ट से ना वहाँ पे. हाँ कॉमन बाइल डक्ट से मिलता है. मैं कॉमन क्या कॉमन नहीं कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलता है. मैंने कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया. यस सर. उसके बाद वो कॉमन बाइल डक्ट बनाता है. ठीक है. ओके ओके चलो. नेक्स्ट अभी जो कॉमन बाइल डक्ट होगा इट विल मीट विथ व्हिच डक्ट? किस कौन से डक्ट के साथ वो मिलेगा फिर? कॉमन बाइल डक्ट. रिया. सर पैनक्रियाटिक डक्ट. पैनक्रियाटिक का जो मेन डक्ट होगा उसके साथ वो मिलेगा. ठीक. राइट. वेरी गुड. ओजस्वी. एम्पुला का नाम क्या है जहां पे वो मिलता है? What is the name of that ampulla? Ojaswi, बता सकते हो क्या? वो ampulla का नाम क्या है जहां पे वो मिलता है? What is the name of that ampulla? जहां पे common bile duct और pancreatic जो main pancreatic duct है वो मिल रहे उस ampulla का नाम क्या है? Ojaswi? नहीं. कल्याणी बताओ. राइट. एम्पुला ऑफ वाटर या फिर हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला भी उसको हम लोग बोलते हैं, है ना? यस सर. राइट. हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर. एक्चुअली उसका फुल नाम वैसा है, हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर. ठीक है. सो वैसा उसका नाम है. ठीक है. वेरी गुड. ठीक है ओजस्वी, आपका भी आंसर आ गया था मुझे. ऑल राइट ग्रेट. सो अभी मुझे एक चीज बताओ कि ये जो क्या बोलते हैं हम लोग के पास पैंक्रियाज होता है उसमें कितने टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोग को मिलता है? थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलता है. क्या क्या होते हैं वो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स?
वो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वी फाइंड इन पैंक्रियास? वाह, किसी का भी हैंडरेज नहीं हो रहा है। वैष्णवी का हैंडरेज हो रहा है, बोलो। सर वो तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वो दो टाइप के सेल से बने होते हैं ना, एक्सोक्राइन एक्विनी सेल और इंडोक्राइन पैनक्रियाटिक आइसलेट। ओके, और नहीं होता है सर? और नहीं। रिया सर, एक टेबल में आप जो लिखवाए थे अल्फा बीटा पीपी सेल, ये सब वो तो है ही, वो तो अल्फा बीटा का, वो तो इसका पार्ट है ना, किसका? इंडोक्राइन। हाँ वो तो उसका पार्ट है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्विनी सेल्स और क्या बोले? पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, आइलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या था? सेल्स ऑफ कल्याणी बताओ। आइसलेट ऑफ लैंग्रीन, उसका दूसरा नाम क्या था? क्या था? आइलेट्स ऑफ लैंग्रीन, आइलेट्स ऑफ लैंग्रीन्स, ठीक है। उसके अलावा भी जो यहाँ पे और एक हम लोग सेल्स जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पैंक्रियास में भी क्या होता है, वो हंगर वाले रिलीज होते है ना, क्या था उस सेल्स का नाम? एप्साइलॉन नहीं था? यस सर, बट यस सर, आइसलेट्स ऑफ लैंग्रेन्स में ही ना आ जाएगा तो। हाँ एक्चुअली वो आइसलेट्स ऑफ लैंग्रेन्स में आएगा, बट स्टिल एप्सिलॉन को हम लोग अलग करके रखते हैं, ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर, एप्सिलॉन सेल जो होता है तो सर वो पैनक्रियास के सेल में ग्रेलिन रिलीज करता है, और सर स्टमक के सेल में सर पीसलेस डीवन सेल्स। यस यस यस, राइट राइट। और ये जो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग के जैसे पूरे जितने भी एलिमेंट्री कैनाल है ना, लगभग हर जगह पे एप्सिलॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लगभग हर जगह पे। सो ये भूख को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम लोग के, और जो स्टमक के अंदर जो ग्रेलिन रिलीज करता है वो पीसलेस डीवन सेल्स रिलीज करता है, ठीक है। बाकी हर जगह पे जो हम लोग के हंगर के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो वो सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो एप्सिलॉन ही होते हैं, ठीक है। चलो, सो दिस वाज जस्ट रिवीजन। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा देखता हूँ, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास जो आज का हम लोग को शुरू करना है, दैट इज वो है डाइजेशन। हम लोग को शुरू करना है डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सो मुझे एक चीज बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब क्या? सॉरी, दिस इज नॉट, एक मिनट, डाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? यस बोलो, कोई भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राची बोलो। सर बोले। हाँ सर, आप लिखवाए थे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम लोग सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होता है। यस यस, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम अभी अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में मेरा फूड है, और उसको मैं जब एब्जॉर्बेबल फूड में फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, देन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग करेंगे कैसे? बाय ब्रेकिंग इट डाउन, ठीक है। हाँ मुझे कल्याणी पूछे तो रिविजन का कंक्लूजन क्या था? रिविजन का कंक्लूजन ठीक है, पढ़े हो, मतलब पढ़ रहे हो, वेरी गुड, नाइस। चलो सो डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन हम लोग को ये चीज पता है कि डाइजेशन का मतलब क्या है, कि सिंपल जो इसका मतलब है वो है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है, वो चीज है। नाउ हम लोग कॉमनली जो फूड वी यूज टू टेक फूड, कॉमनली हम लोग फूड लेते हैं, है ना, वी यूज टू हैव फूड, है ना, दाल रोटी सब्जी चावल, है ना, नॉन वेज कभी कोई कोई खाता है, कोई कोई नहीं खाता है, राइट। सो ये सभी हम लोग के कॉमन फूड है,
इन इंडिया फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, राइट? अभी मैंगो का सीजन है, मैंगो हम कॉमनली खाते हैं लोग, ठीक है? सो ये सभी जो है वो हम लोग के फूड के कंपोनेंट्स है, राइट? दीज आर द मेन फूड आइटम्स जो हम लोग खाते हैं बेसिकली, ठीक है? इसमें से जो हम लोग को मिलता है, इसमें से जो हम लोग को बेसिकली जो ये मिलता है, जो हम लोग के फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या मिलता है हम लोग को, बेसिकली हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को मिलेंगे, उसके बाद हम लोग को मिलेगा क्या, विल गेट फैट, फैट भी हम लोग को मिलेगा, देन उसके बाद हम लोग को मिलेगा क्या, विल गेट प्रोटीन्स, राइट? हम लोग को प्रोटीन्स भी मिलेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग को मिलेगा क्या, कुछ विटामिन्स मिल सकते हैं, राइट? उसके बाद हम लोग को क्या मिल सकता है, मिनरल्स मिल सकता है, राइट? क्या मिलेगा, और वाटर कंटेंट, वाटर हो सकता है वहां पे, वाटर कंटेंट मिल सकता है ना? और कुछ मिलता है क्या फूड में से, जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड यही सब तो है, राइट? सबको ना, यहां में से, इसमें से मुझे बताओ कि कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने का जरूरत है और कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है, कौन बताएगा? इसमें से ये जो हम लोगों ने नाम लिखा, कुछ सिक्स कंपोनेंट्स का हम लोगों ने नाम लिखा है, इस सिक्स में से किसको डाइजेशन, किसको डाइजेस्ट करने का जरूरत है और किसको डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? वैष्णवी बोलो, सब प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है, तुम बोल रहे हो ना क्या? है। ओके अच्छा, किसको डाइजेस्ट करने का जरूरत है? सो प्रोटीन को जरूरत है, ओके okay? और फैट्स, फैट्स भी जरूरत है, ओके okay? और कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स को कहने का जरूरत है, कल्याणी के भी मेरे पास आता है और आया है, ओके सो यू आर सेइंग कि ये जो विटामिन्स है इसको जरूरत नहीं है, मिनरल्स इसको भी जरूरत नहीं है, वाटर इसको भी जरूरत नहीं है, राइट? कोई चैलेंज करना चाहेगा क्या इसको, एनीवन? एनीवन कोई बोलेगा कि ये गलत है बोल के? कोई नहीं, ओके कोई नहीं बोले कि ये गलत है, बिकॉज ये सही है, राइट? ये सही है, राइट? क्योंकि विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर जो है ऑलरेडी किस फॉर्म में है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, ठीक है? और जब वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, सो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, सो दैट मींस उसको डाइजेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है, डाइजेशन मतलब क्या, ब्रेकडाउन, सो उसको ब्रेकडाउन का जरूरत है ही नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट? एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, उसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, उसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ग्लूकोज, फैट, उसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है? उसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म ये दोनों है, ठीक? उसके बाद हम लोग के पास प्रोटीन्स, दिस इज फैटी एसिड, ठीक है? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज एमिनो एसिड, ठीक है? सो इसको अभी हम लोग को ब्रेक डाउन करना होगा, सो दिस इज व्हाट द फूड कंपोनेंट इज, ये सभी हम लोग के फूड कंपोनेंट जो है, हम से ये सबको हम लोग को डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जिसका जरूरत है वो है ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड, इसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाना है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में लाना है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लाना है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में लाना है, एंड देन इट विल बी इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, और वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट जो हम लोग के पास है द प्रोसेस, प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस होलोजन, हम लोग इनकेस ऑफ ह्यूमन बींग्स हम लोग को पता है वही फॉलो कौन से है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हम लोग का, राइट? कौन से मोड होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो नाउ मुझे बताओ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं, बोलो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बोलो कौन बताएगा, ओके चैट बॉक्स में लिख रहे हो, राइट? ठीक है, ठीक है, चैट बॉक्स में ही लिखो, कोई बात नहीं,
मेरे पास आयुषी, आयुषी ने हैंड रेज किया था, हाँ आयुषी बोलो, वैष्णवी ने भी हैंड रेज किया था, आयुषी बोलो, आयुषी, इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, ठीक है, उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन, ओके, एब्जॉर्प्शन, एक मिनट, एब्जॉर्प्शन, ओके, और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ओके, एसिमिलेशन, और बस, और सर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इजेशन या फिर हम एक्सक्रीशन, इजेशन, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, चलो, ग्रेट ग्रेट नाइस, हाँ वैष्णवी, ठीक है, सही है, ठीक है, ओके, किसी ने मुझे इसमें क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन भी बोला है किसी ने, इट्स नॉट एक्यूमुलेशन, एसिमिलेशन है वो, रिया, चलो, इंजेशन, द इनटेक ऑफ फूड, ओके रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मजाक कर रहा था मैं, सो इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन मतलब क्या है, इट इज इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, सो व्हेन एवर वी टेक फूड, दिस इज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन, इंजेशन, ग्रेट, सो हम लोग जब भी खाना खाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन, राइट, नाउ द पॉइंट इज कि डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, डाइजेशन कैसे होंगे, डाइजेशन इज बेसिकली दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जहां पे वो फूड का ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, राइट, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, सो फूड ब्रेकडाउन ऑफ फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, दैट इज डाइजेशन, प्रोटीन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया, दैट इज डाइजेशन, ठीक है, फैट्स है, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, दैट इज डाइजेशन, नेक्स्ट आता है द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अभी डाइजेस्टेड फूड नाउ कहां पे आएगा, डाइजेस्टेड फूड विल कम टू द ब्लड, डाइजेशन फूड जो है इट इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, ठीक है, ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स है, डाइजेस्टेड जो फूड है, राइट, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स को, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या किया, अभी नाउ इट कम्स टू द ब्लड, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन, देन एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी सेल्स होते हैं उनको जो अब्सॉर्ब्ड फूड रहता है प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जो कि वर्क के लिए जरूरी है, बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सो एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया अभी, दैट मींस कि यहाँ पे एसिमिलेशन का मतलब हो गया कि वो जो फूड पार्टिकल्स थे, जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स थे, दे नाउ गेट इनटू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, अभी सेल के वो प्रोटोप्लाज्म में आ चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, नाउ इट इज रेडी फॉर, नाउ इट इज रेटिंग रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, अभी वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, इजेशन इज सिंपल कि इजेशन इज क्या होता है कि द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर्स, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, सो ये जो प्रोसेसेस है, दीज आर द, यस एक्सप्रेशन, दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ, ये जो प्रोसेसेस होता है, दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ, दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, दीज आर द, ऑल दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सभी प्रोसेसेस होते हैं. So, according to your textbook NCERT, the given definition for digestion is the process of conversion of complex food substances into simple absorbable forms. Absorbable form में convert करने को हम लोग बोलते हैं digestion. ठीक है? Complex substance, complex substance, so carbohydrates जो complex form में है, ठीक है?
कार्बोहाइड्रेट इज इट कॉम्प्लेक्स फॉर्म और इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट जो करते हैं उस प्रोसेस को, उसमें जो भी लगता है व्हाट एवर द प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज डाइल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है और उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ग्लूकोज में, दैट्स व्हाट वी कॉल दैट, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो the process of conversion of complex food substances into simple absorbable forms is called as digestion, usko hum log kya bole, digestion bol, theek hai, digestion hum log ko pata hai it starts with the mouth, kahan pe shuru hota hai, digestion jo process hota hai wo mouth mein hi shuru hota hai, you can see here, yahan pe hum log dekhenge ki mouth mein, so it is basically digestion jo hai wo mechanical aur chemical dono hi process hai, mechanical bhi hota hai aur wahan pe केमिकल भी होता है, मैकेनिकल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैस्टिकेशन, चेविंग, राइट, चेविंग हम लोग जो चबाते हैं फूड को, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस है ना, उसी में जो एंजाइम्स फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, वो एंजाइम्स जो फूड का ब्रेक डाउन करेंगे वो क्या होंगे, वो कौन सा प्रोसेस, दैट इज द केमिकल प्रोसेस, राइट, सो देयर विल बी मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस इन द, वहां पे क्या होंगे, मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं, दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों ही प्रोसेसेस वहां पे होते हैं, ठीक है। सो नाउ द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, बकल कैविटी जो है मतलब हम लोग के माउथ में दो मेजर फंक्शंस होते हैं, दैट इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, ठीक है, मैस्टिकेशन मतलब चबाना है ना, फूड को बकल कैविटी में कहता है चबाते हैं और चबा के क्या होता है, मदद करता है बेसिकली फूड को, मदद करता है फूड को क्या होने के लिए, स्वेलोइंग के लिए मदद करता है, स्वेलोइंग के लिए मदद करता है, राइट, इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग, ठीक है, चबाने के बाद क्या है, हम लोग चबाते क्यों है फूड को, ताकि हम लोग क्या करें, स्वेलोइंग के लिए उसको मदद कर सके, नहीं तो स्वेलोइंग नहीं हो सकता है, राइट, नहीं तो स्वेलोइंग नहीं होगा, राइट, स्वेलिंग कब हो सकता है कि जब हम लोग उसको अच्छे से चबाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, म्यूकस, म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है, फूड पार्टिकल्स जो होता है उसको क्या कहना, उसको लुब्रिकेट करते हैं ताकि वो आसानी से क्या हो, हम लोग की इसोफेगस के अंदर से होके इट कैन गेट इन टू द स्टोमक, स्टोमक के अंदर जा सके, है ना, सो स्टोमक के अंदर जा सके, उसको लुब्रिकेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कभी क्या होता है, साइकिल जो हम लोग का साइकिल होता है उसके चेन में हम लोग क्या डालते हैं, ग्रीस वगैरह डालते हैं ताकि उसको लुब्रिकेट करे, ताकि वो आसानी से हम लोग पैदल चला सके, राइट, सो उसी तरह से फूड को लुब्रिकेट करने के लिए क्या होता है, देयर इज म्यूकस, म्यूकस जो है फूड को लुब्रिकेट करके रखता है और ताकि आसानी से वो क्या हो सके, आसानी से स्वेलिंग हो सके, आसानी से हम लोग निगल सके फूड को, ठीक है। सो उसके बाद एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड, इट एडहेयर्स द मेस्टिकेटेड फूड, it adheres the masticated food, it adheres the masticated food particles into bolus, bolus matlab kya hota hai, bolus ka meaning ho, hum log likh denge ki a small saliva plus food, yes, is matlab uska wo to hai is saliva ke sath mix hone ke time mein hum log iska proper agar dekhenge bolus ka meaning a small rounded mass of, theek hai, a small rounded mass of substances, ठीक है, अभी देखो क्या हुआ कि so bolus का meaning, exact meaning ये है, ठीक है, small rounded mass of, yes, mass of substances, so यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो food है वो उसने क्या कहा, food क्या क्या हुआ, food किसके साथ मिला, saliva, right, plus उसमें क्या हो रहा है, mouth के अंदर mastication, मैस्टिकेशन होने के वजह से फूड जो है अभी नाउ कन्वर्ट हो रहा है इनटू स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होने के वजह से फूड जो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, सो वो स्मॉल राउंड मास में कन्वर्ट हो रहा है,
राइट, स्मॉल राउंड मास में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो दैट स्मॉल राउंड मास इज कॉल्ड एज, उस स्मॉल राउंड मास ऑफ फूड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलस बोल रहे हैं। That small round mass is called as now bolus. So when the food gets mixed with saliva, फिर दांत से हम लोग जब उसको चबाते हैं, चबाने के बाद वो एक round, small round mass में वो convert हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं bolus. And that we call as bolus. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, bolus बोलते हैं. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, bolus बोलते हैं. Clear सबको? Bolus clear है क्या सबको? सर बोलस का डिफिनेशन ये हो सकता है क्या, द फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल राउंडेड इज कॉल्ड बोलस। यस, स्मॉल राउंडेड मास। देखो हम लोग जब भी चबाते हैं फूड को, तुम लोग भी ध्यान दिए होंगे बात को, कि हम लोग जब भी फूड को चबाते हैं, सो कभी कभी क्या होता है हम लोग का, बिकॉज हम लोग के अचानक से कुछ हिचकी आ गया, सो हम लोग के क्या बोलते हैं, मुंह से कभी कभी फूड निकल भी जाता है बाहर, राइट right? ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने भी इसको ध्यान दिया होगा। एंड जब वो निकलता है, वो हम लोग तब उसको कैसे मिलता है, एज ए राउंडेड फॉर्म मिलता है वो हम लोग को, राइट, चबाने के बाद, है ना। सो उसको हम लोग बोलस बोलते हैं, राइट, दैट्स व्हाट वी कॉल दिस बोलस। उसको हम लोग बोलस बोलते हैं, पार्टिकल राउंडेड हो जाता है, कन्वर्ट होते हैं, ताकि हाँ उसको बोलस बोलते हैं, ताकि राउंडेड इसीलिए होता है ताकि क्या हो, आराम से स्वेलोइंग आराम से हो। स्वेलोइंग का मतलब क्या है, कि ताकि हम लोग आराम से उसको निगल सके। फॉर दैट उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से फूड वो राउंड शेप में आता है, ताकि हम लोग उसको आराम से निगल सके। अगर नाउ इमेजिन, अगर वो फूड कैसा होता, अगर वो इस फॉर्म में होता, इस फॉर्म में होता, इस तरह से फूड जाता, तो क्या हम लोग उसको आराम से निगल पाते? ऑब्वियसली नहीं। उसके जो कॉर्नर्स होते वो हम लोग के फूड पाइप में अटक जाता है कि नहीं, राइट। सो इसके वजह से क्या होता है, वो राउंड फॉर्म में होता है, ताकि वहां पे जो है वो हम लोग फूड को आराम से निगल सके, ठीक है। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होंगे, वहां पे बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन्स, ये सब भी आयन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। एंड एंजाइम सेलिवरी एमाइलेज, कौन से एंजाइम्स होते हैं, सेलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं और लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं वहां पे। सेलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं और लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सेलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन भी बोला जाता है, इट ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। So about 30% of the starch is hydrolyzed here by salivary amylase. ठीक है, around 30% जो होता है, 30% of starch जो है, वो salivary amylase उसको breakdown कर देते हैं into disaccharide. Into किसमें? Disaccharide में. Starch को disaccharide में. Disaccharide किस form में? Maltose के form में उसको breakdown कर देता है around 30%. क्यों 30% ही होता है? क्यों ज़्यादा नहीं हो सकता है? Salivary amylase क्यों ज़्यादा नहीं कर सकते हैं? Why only 30% of the carbohydrate is hydrolyzed? Breakdown सिर्फ 30% का ही क्यों होता है? Why not more than that? Sir, क्योंकि sir पहले तो उतना sir ये sufficient time नहीं था और sir उसको yes, the main reason behind is sufficient time. ठीक है, क्योंकि सफिशियंट टाइम माउथ में फूड नहीं रहता, बकल कैविटी में फूड बहुत कम टाइम के लिए होता है। एंड दैट्स द रीजन कि ओनली 30% ऑफ द स्टार्च कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेल्टोस इनटू डाइसेक्रेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? सर ये रीजन नहीं हो सकता सर, इसका पीएच जो 6.8 है, तो उसको पीएच तो 6.8 चाहिए। सो इंडस इज 6.8, सो वो हम लोग के माउथ में होता है। एंड दैट्स द रीजन कि स्टोमक के अंदर सेलिवरी एमाइलेज काम नहीं कर पा रहे। देखो क्या हुआ, बात को समझो, ठीक है। ये जो हम लोग के पास बोलस है, इस बोलस पे क्या है, बोलस के पास क्या है, बोलस के पास तो सेलिवरी एमाइलेज भी है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Are you getting my point? बोलस जो है वो फूड और प्लस सेलिवरी एमाइलेज, food plus saliva is gives us bolus. That means bolus जो है उसके पास salivary amylase भी है,
है ना। सो लेकिन फिर भी वो सेलिवरी एमाइलेंस स्टोमक के अंदर काम नहीं कर रहा है, इट इज बिकॉज स्टोमक का जो पीएच है, पीएच ऑफ स्टोमक, स्टोमक का जो पीएच है वो क्या है, स्टोमक पीएच ऑफ स्टोमक इज व्हाट, 1.8। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इतना ही होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.8 है पीएच, हाईली एसिडिक, और इसको चाहिए कितना, अप्रोक्सीमेटली 6.8। ठीक, सो इसके वजह से ये जो सलाइवरी एमाइलेज है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाता है, एमाइलेज एंजाइम जो है स्टोमक के अंदर काम नहीं कर पाता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ओनली 30% कैन बी ब्रेक डाउन, 30% ही ब्रेक डाउन होता है मेल्टोस का। समझ में आया बात? Yes, sir. Now, यहाँ पे you can see here, यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने देखा है कि the optimum pH लिखा हुआ है यहाँ पे। Optimum pH मतलब क्या है कि salivary amylase का जो सबसे efficient काम होगा ना, वो efficient काम 6.8 pH में होगा। All of you are getting my point? ठीक है, सब लोग समझ में आ रहा है मुझे, right? हाँ सर, अगर 6.8 से ज्यादा हुआ और अगर उससे कम हुआ तो सर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च मतलब कि सॉरी सर इट विल बी अफेक्टेड फिर उसका रेट डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर सपोज वो 7 हो गया, 8 हो गया लेट्स से, और वो 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, देन इट विल बी डिक्रीज। ऑप्टिमम जो है दैट इज 6.8 बिकॉज दिस एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, दे आर हाईली स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, हाँ सर, तो सिर्फ डिक्रीज ही होगा, मतलब उसका रेट इंक्रीज नहीं होगा कोई भी केस में? नहीं, इंक्रीज तो इस फॉर्म इसमें हो रहा है ना, 6.8 में, 6.8 में सबसे मैक्सिमम फंक्शन है उसका। ओके सर, ठीक है, बात समझ में आया, सबसे मैक्सिमम जो फंक्शन होगा वो 6.8 में होगा, दैट्स व्हाट ऑप्टिमम पीएच लिखा हुआ है, ऑप्टिमम, दिस इज द मैक्स। ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ, चलो, लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है, और ये जो लाइसोजाइम होता है वो क्या होता है, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एजेंट काम करता है, एंड दैट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके रखता है। यू कैन नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, पॉइंट वाइज। और एक पॉइंट है यहाँ पे, आई थिंक व्हाट्स द टाइम नाउ, ऑलराइट, सो इट्स 9:20, सो इसको नोट डाउन कर लो, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, दो रीजन है, एक तो मेरा क्लास है, दूसरा सुबह से यहाँ पे पावर कट है, जिसके वजह से मेरा लैपटॉप जो है अभी डेड हो जाएगा, सो जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है, बस ना भी बोलो सर, बोल रहे हैं कि मेरा जो लिवर वाला ठीक है ना, कौन सा लिवर वाला जो डायग्राम आप, हाँ, तो फिर मैंने सौरभ सर से बोला था कि सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा तभी ना पढ़ पाएंगे। अच्छा, मैं भेज देता हूँ, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है, ये बताओ वर्ड भी छूट गया, मतलब टोटल अभी तक पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ना, अभी एक्चुअली वो अलग अलग क्लासेस का अलग अलग होके है ना पीडीएफ सब, इसके वजह से दिक्कत है। एनीवेज लीवर वाला ही सेंड कर दीजिएगा अभी, लीवर वाला ही ना, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक सर, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप श्योर 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 एक काम करो, आई एम गोइंग टू गिव यू माय दिस वन नंबर, ओके, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, सब लोगों को जस्ट एनी, सो मुझे एक बार हाय बोल देना, देन आई विल सेंड यू। ओके सर, आपका कांटेक्ट नंबर? हाँ, मैं इसी में भेज रहा हूँ कॉन्टेक्ट नंबर, मैं चैट में भेज रहा हूँ, देखो सबको, 8638162522। ठीक है, बट अगेन थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसको जल्दी से लिख लो, नहीं तो मेरा लैपटॉप जो है अभी खत्म होने ही वाला है।
सर स्क्रीन पर है मैंने।